यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य और क्या कारण है आपका? उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है, जिस देश में हम हजारों साल से गुलाम हैं, अब गुलाम रहने की नीयत नहीं है, और हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत वर्षों से लड़ रहे हैं जी, पूरे देश में लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। और बाबा साहब का या संविधान का आगमन पर्व हो या तथागत का आगमन पर्व हो या गुरु नानक का आगमन पर्व हो, उसका मतलब एक ही है, हमारा इस देश में हमें अपने ही देश में बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के मूलवासियों को बराबरी चाहिए, आज़ादी चाहिए और सम्मान चाहिए, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। सम्मान आपको अगर चाहिए तो क्या संविधान जो लागू हुआ था तब आप आज़ाद हुए थे, या संविधान को पढ़ने के बाद जब समझ में आया तब आज़ाद हुए आप? असल में दो ही बातें, जब हमें नहीं पता था तब भी हम आज़ाद हुए, क्योंकि स्कूल गए जी, हम बोलने लगे जी, हम पढ़ने लगे, हम लिखने लगे, हम सड़कों पर चलने लगे, हम घर बनाने लगे, हम जमीन खरीदने लगे, हम रोटी खाने लगे, अच्छा कपड़ा पाने लगे, गाड़ियों में चढ़ने लगे, यहाँ तक के जहाज में भी चढ़ने लगे, तब हमें नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। आज़ादी तो तब भी थी, मगर जब पता चल गया कि ये बाबा साहब के कारण और देश के संविधान के कारण और लोकतंत्र के कारण हुआ है, तब हमें असली आज़ादी की समझ जी। आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया क्या? हम तो हिंदू पहले ही नहीं अच्छा, हम हिंदू नहीं है जी, ना ना जन्म से हिंदू नहीं है, ना हम देश में हिंदू हैं और ना जन्म से ही, सिख हिंदू होता ही नहीं पहली बात। और सिख जो है वो वैष्णो देवी माता जी की भी फोटो लगाते हैं। अरे कोई मेरे जैसा बेवकूफ जाता है तो जाने दो उसे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सिख धर्म मूर्ख आदमी को जाता है, सिख धर्म में क्या फर्क पड़ता है? जो बनाए वो हिंदुओं से अलग हटके ही बना, ये हिंदुओं से हटके नहीं बना, हम बौद्ध थे मजबूरी में, हमें 8वीं सदी के बाद हिंदू कहा गया, और हम हिंदू नहीं थे, मगर अछूतापन के कारण हम गुलाम हुए और हम कभी भी हिंदू नहीं जी। अछूतापन के कारण हम लोग गुलाम हुए, हम कभी भी हिंदू नहीं थे। मैं और भी लोगों से जानना चाहता हूँ, डॉक्टर लाल बीच में आ जाऊंगा, आप बस इशारा कर सकता, मैं और भी लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर आज आप यहाँ LDF के प्रोग्राम में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो भी फंक्शन तथागत बोध के नाम से हो, बाबा साहब के नाम पे हो, वो तो अच्छा लगता ही लगता है, क्योंकि हमें आज़ादी लेनी सिखाता है, जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है, गुलामी को दूर करने के लिए हमें जहाँ जीतने को मिलता है, इसलिए हम जानते हैं कि हम आज़ाद रहें, गुलाम ना। घर वापसी, डॉक्टर साहब आप ही यहाँ पर हैं और आज यहाँ पर LDF का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये संविधान सम्मान समारोह क्या है? संविधान बाबा साहब ने ऐसा बनाया है कि जो भी दास्तान देश की हजारों साल से थी वो टूटे और सबको बोलने का अधिकार मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का अधिकार मिले, समानता का, न्याय का, भाईचारे का एक राज स्थापित हो, उसके लिए बाबा साहब ने सही, लेकिन ये गलत हाथों में चला, वो न्याय नहीं मिल सका, वो समानता नहीं आ पाई, इसको स्थापित करने के लिए हमें संविधान को जिंदा रखना, अगर संविधान चला गया तो बाबा साहब आज भी जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है, जब संविधान मरेगा तो बाबा साहब, हमने संविधान को नहीं मरने देना, इसलिए हम यहाँ पर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान को मारने के जो मारा जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, इट मीन्स कि बाबा साहब का नाम खत्म करना चाह रहे हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है संविधान को खत्म करने के लिए, पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, इसलिए हम सबका घर या जो भी पढ़ लिखे थे उन सबको आगे आना चाहिए और संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना जी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि अगर संविधान अगर खत्म हो गया तो आपका क्या हाल होगा, क्योंकि मनुस्मृति में तो किसी भी स्त्री को सम्मान नहीं दिया गया। देखिए वीरेंद्र जी, संविधान खत्म हो गया तो ये एक प्रश्न है, इसका आंसर हमारे पास है, हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी संविधान को जिंदा रखेंगे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। आज बहुजन
जाग गया है, मूल निवासी जाग गया है, वो अपने अधिकारों को जानता है कि मेरे अधिकार क्या हैं और मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, और ये संविधान के द्वारा ही संभव है। हम सब मिलकर एलडीएफ के माध्यम से, एलडीएफ इसके लिए काम कर रहा है, घर घर में जा रहा है और लोगों को जगा रहा है, और लोगों में एक मुहिम छेड़ चुका है कि संविधान को जिंदा रखना है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान जिंदा रहेगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा, और हम बाबा साहब को कभी मरने नहीं देंगे। बाबा साहब अमर है, अमर रहेंगे। ये संविधान के अमर, ये बात सही है कि हमारा संविधान भी अमर है, और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो उसके संस्थापक थे, जो उन्होंने लिखा था और आज ही के दिन उन्होंने बना करके संविधान 26 नवंबर को दिया था। मेरे साथ एक महिला और है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या आपको ये सोने के बैंगल्स और चश्मा लगाना और ये इतने अच्छे कपड़े पहनने को प्राप्त हो पाते? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि संविधान में, मतलब कम शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ कि संविधान उस व्यवस्था परिवर्तन का नाम है कि जहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग नहीं, समाज के किसी भी वर्ग को, ऐसा कोई भी वर्ग जिसके अधिकारों का, कर्तव्यों का कोई भी कोई छीनता है तो आप उसके थ्रू मदद कर सकते हैं उसकी। इसमें एक और अच्छी बात है, मैं कहना चाहूंगी कि हमारा संविधान उस शेर की तरह है कि उसमें इतना ज्ञान है, वो इसलिए शेर है क्योंकि उसमें इतना ज्ञान है, उसमें इतनी ताकत है कि आधे लोग तो उसका नाम सुन के डर जाते हैं और बाकी आधे उसकी दहाड़ सुन के मर जाते हैं। बिल्कुल, दहाड़ सुन के मर जाते हैं। मैं इसी कड़ी में डॉक्टर साहब को भी जोड़ना चाहूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर संविधान की दहाड़ से मर जाते हैं, यानी कि धाराओं से मर जाते हैं? देखिए, मैं सभी यहाँ बहुजन मीडिया का और मिलेंद्र जी और हमारे अंदानी जी, हमारे बहन भाई सुरेंद्र सिंह जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए, यहाँ पे जो लोग पूरे देश से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लोग पहुँचे हैं, उन सब का यहाँ भारतीय संविधान सम्मान दिवस पर लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट के तत्वावधान पर जो हमने कार्यक्रम किया है, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ और जय भीम के साथ में आपको अनुमोदन करता हूँ। जय भीम। साथियों, विषय ये है, आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे सामने खतरा पैदा हो गया है और इस देश के अंदर हमारे सामने एक इतनी बड़ी चुनौती आज है जिसके लिए हमें हर हाल में ये दहाड़ लगानी पड़ेगी। ये दहाड़ हमें अंदर से, हमारी ताकत जो है, हमारे अंदर जो आज बाबा साहब को लेकर संविधान को जिंदा करने के लिए जो शेर की गर्जना है, वो आज हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा अस्तित्व खतरे में है, आज मूल निवासी बहुजन समाज खतरे में है, आज हमारे मिशन के क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष खतरे में है और आने वाली जनरेशन खतरे में है। इसलिए अगर आज हमने ये गर्जना या दहाड़ नहीं चलाई तो भारतीय संविधान की सारी के सारे धाराएं, इस भारतीय संविधान का मूल्य उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने ठाना है, इस एलडीएफ की टीम ने, एडवोकेट जीता रानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरुणा कबीर हमारे इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हम संयोजक हैं, इसने इस पूरी टीम ने, आज पूरी टीम जो यहाँ पे हमारे साथ है, हमने ये एक प्रण लिया है कि संविधान को इस देश के अंदर जिंदा नहीं, लागू कराने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक इस देश के अंदर चले जाएंगे, लेकिन भारतीय संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और भारतीय संविधान को लागू करा कर रहेंगे। ये हमारा ऐलान है और ये हमारी चुनौती है। जी, मैं एक सवाल पहले आपसे कई दिनों पहले पूछ चुका था, आज फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या संविधान को ये हटा सकते हैं? संविधान को हटाना इस देश के अंदर किसी की बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतने कष्ट और त्याग और इतने बलिदान से और इतने ज्ञान से संविधान लिखा है। दुनिया का कोई भी अगर एक अच्छा इंसान है, वो संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में कोई गलती नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर यहाँ के हुक्मरानों की अगर मानसिकता खराब है, अगर उनकी नीयत में खोट है, तो उनकी नीयत के अनुसार हम देश को नहीं चलने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। और संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, चाहे लोग सत्ता में कितनी ताकत से आ जाए, इस देश में कितनी बड़ी हुकूमत लेके सत्ता सरकार बना ले, लेकिन संविधान किसी के बाप की बपोती नहीं है। संविधान बनाने के लिए, बदलने के लिए संविधान सभा का गठन करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के साबित करनी पड़ती है और बहुत बड़ा कठिन प्रोसीजर है संविधान बदलने के लिए। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को एक जागरूक नागरिक हो और नागरिक होने के नाते, इस देश का एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चों को त्याग कर इस संविधान को बचाने के लिए निकले। अगर ये नहीं बचा तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारे घर, हमारी नौकरी नहीं बचेगी। इसलिए बदलना तो आसान नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें प्रेशर बना के, उन पे अपना हक जता के, अगर उसको और ज्यादा हम मजबूत कर सकते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी, आपने यहाँ पर एक टैगलाइन लगाई हुई है कि संविधान को सम्मान देना, ये क्या चीज है? संविधान का सम्मान हम इसलिए चाहते हैं कि इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था ऐसी है जो संविधान को किसी भी तरीके से, जब से संविधान लागू हुआ है तभी से उन लोगों ने देश के अंदर संविधान को नकारा है। उन्होंने कहा हम भारतीय संविधान को नहीं मानते और उनका अलग है कि देश के अंदर वर्चस्व है, अलग ही तरीके क्रियाकलाप उनका काम करने का तरीका है। तो वो लोग जो इसके अंदर इसकी आस्था नहीं रखते हैं, जो इसको नहीं मानते हैं या जो लोग इस चीज को लागू करना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं, तुम मानो चाहे ना मानो,
तुम्हारी नीयत कैसे भी हो, लेकिन भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले आप जिंदा हो गए हैं, और भारतीय संविधान को जिंदा करने वाले लोग, सुरक्षित रखने वाले लोग भी देश में जिंदा हो गए। सर, भारतीय संविधान तो लागू है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली में भारतीय संविधान कहीं भी लागू नहीं है, क्योंकि गांव के थानों में आप पहुंच जाओ तो अगर आप किसी कानून की बात कर लोगे, अच्छा ये कानून की बात कर रहा है, इसको ज्यादा पिटाई करो, ऑफिस तो किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वो कोई मतलब मेरा नजरिया ये है कि मतलब कहीं कानून लागू ही नहीं है, और मनुस्मृति हर जगह लागू है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट ऑफिस में दिवाली मनाई जाती है, सारे गवर्नमेंट ऑफिस में हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इसके लिए आपका क्या विजन है सर? संविधान होते हुए भी लागू ही नहीं है, तो ये विजन तो पॉलिटिकल पावर है, हमारी सत्ता आएगी तो संविधान लागू होगा, सत्ता नहीं होगी तब संविधान के साथ खतरा होगा। यानी कि संविधान को लागू कराने के लिए हमें पावर में भी आना पड़ेगा, चाहिए जी, और हमें सब त्याग करके, सब अपने मतभेदों को भूल के हम सबको अपनी सत्ता के पीछे लगना चाहिए। इस समय अगर संविधान को बचाने का एक मात्र रास्ता है तो वो केवल पॉलिटिकल रास्ता है, हमें अपनी सत्ता जी। एक पॉलिटिकल सवाल में गीता रानी जी से भी पूछना चाहूंगा, मैम क्या आप LDF को क्या राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? देखिए, ये अभी एक सामाजिक पार्टी है, अगर वक्त ने चाहा, क्योंकि अगर हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे तो हमारे लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ये मैं आज ऐलान करती हूँ, आज हमारा संविधान सम्मान दिवस है, मैं आज के दिन ये ऐलान करती हूँ LDF की राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हो ना हो हम इसको राजनीतिक पार्टी बना के छोड़ेंगे और सत्ता पे जाके छोड़ेंगे। हम यहाँ किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई हमें राजनीति करने से रोक सके, जब तक मेरे देश का बच्चा राजनीति नहीं करेगा, राजनीति में नहीं आएगा, वो तब तक इसी तरह से दुराचारी का शिकार होता रहेगा और ब्राह्मणवाद का शिकार होके अपने आप को नीच समझता रहेगा। इसके लिए हमें सत्ता में आना जरूरी है, और मैं ऐलान करती हूँ, मैं खुले आम ऐलान करती हूँ कि हम इसको राजनीतिक पार्टी बना के रहेंगे जी।